हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जीके स्टडी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशंस में आए हैं गवर्नमेंट के सीबीटी में। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और मैं इस वीडियो को वैसे तो टाइटल सी ऐसे डाला है, लेकिन आप जो है वैसे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट तो होता है, जैसे कि आपका RRB हो गया, SSC हो गया, MTS हो गया और RPF हो गया, और भी जो मतलब GK है कुछ भी पूछा जा सकता है। और किसी भी एग्जाम में GK कोई अलग से इनकी कैटेगरी तो होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से, क्वेश्चन नंबर वन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। और इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर वन, 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192 में कुतुब उद्दीन एक ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बाद में तक उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो चार ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। इसका राइट आंसर है 3, अफगानिस्तान। सुरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में लैपिस खानों के पास ऑक्सस नदी पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है वैसे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए ओ ह्यूम ह्यूम डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर है 3, ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने अपने पहले 22 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की। वह एक ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक, पक्षी विज्ञान और बागवानी विशेषज्ञ थे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? चार ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर है 1, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल अकबर द्वारा मुगल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए बनाया गया था। यह अपने असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध जांच मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है। पंच महल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम डैश था। चार ऑप्शन है, रेगिस्तान का टीला, नदीमक भूमि का जिला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। इसका राइट आंसर है 3, आधुनिक नाम मोहनजोदाड़ो को सिंधी में मृत मनुष्यों का टीला और मोहन का टीला के विभिन्न नामों से व्याख्या की गई है। इस शहर का मूल नाम अज्ञात है, किसी को पता नहीं है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती में से एक है और विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल अनांत को देखा जाता है? मतलब किस तिथि में, डेट है, किस डेट में देखा जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। तो इसका राइट आंसर है 21 जून। शीतकालीन अनांत एक खगोलीय घटना है जो किसी वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात को दर्शाती है। उत्तरी गोलार्ध में ये 21 दिसंबर अनांत और दक्षिण गोलार्ध में ये 21 जून अनांत है। आयन काल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ विपरीत है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का आयन काल, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का आयन काल होता है, और इसी तरह इसके विपरीत भी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेगमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? चार ऑप्शन है, हिमनद, वायु, सतह का पानी, भूमिगत पानी। इसका जो राइट आंसर है वह है भूमिगत पानी। तो स्टेलेगमाइट एक
विशेष प्रकार का निक्षेप है जो भूमिगत जल के कारण निर्मित स्थलाकृति है। चूना के विलयन क्रिया से प्रशस्त गुफा में विकसित आकाशीय स्तंभ को स्टेलेक्टाइट्स तथा धरातलीय स्तंभ को स्टेलेगमाइट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? चार ऑप्शन है, हैम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, अयाशियो धारा, कनारी धारा। तो इसका जो राइट आंसर है ब्राजील धारा। ब्राजील धारा अंटार्कटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है जो ब्राजील के दक्षिण तट से रियो डी लो प्लाटा के मुहाने तक बहती है। ये अंटार्कटिका महासागर के दक्षिण विषुवतीय के एक हिस्से के मोड़ के कारण पैदा होता है, जहां से ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? आपके चार ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है क्यूमुलोनी एम्बिसिस, दूसरा ऑप्शन है क्यूमुलोस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है क्यूमुलोरिस और चौथा ऑप्शन है अल्टो क्यूमुलस। इसका राइट आंसर रहेगा क्यूमुलोनी एम्बिसिस। बादल बादलों का एक प्रकार है जो मेघ गर्जित तूफान और भारी वर्षा से जुड़ा हुआ है। ये निम्बुस या वर्षा के बादल होने के कारण भिन्न है। ये 20,000 फुट के नीचे तथा जमीन के अपेक्षाकृत निकट बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? चार ऑप्शन है, सूत्रकणिका, केंद्रक, केंद्रिका, लयनिका। इसका जो चौथा ऑप्शन है, जो कि लयनिका है, ये राइट आंसर है। ये झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका निर्माण खुरदरी अंततः प्रद्रव्य जलिका से होता है। ये कोशिका के छोटे फूटे भागों एवं अवशिष्ट पदार्थों को पाचित करके कोशिका को साफ करती है। चूंकि ये कोशिकाएं उपापचय में व्यवधान के कारण फटने पर अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज 1955 में डी ड्यूव द्वारा की गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म आए हुए हैं जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। एक बार आप चेक कर सकते हैं और आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।